हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूँ सौरभ शर्मा। वैक्सीन पर आज की बड़ी खबर क्या है, इसके लिए आपको दो मैसेजेस और प्रधानमंत्री का एक भाषण सुनना चाहिए। एक मैसेज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के आधार पूनावाला का है। आधार पूनावाला ने आपसे थोड़ी देर पहले थैंक यू बाइडेन कहा, थैंक यू व्हाइट हाउस का मैसेज दिया, मोदी सरकार को ग्रीट किया। दूसरा मैसेज देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर का है, जो कह रहे हैं कि इस वक्त भारत के डिप्लोमेसी का पूरा फोकस वैक्सीन सप्लाई चेन को सिक्योर करना है। और तीसरा है प्रधानमंत्री मोदी का आज का एक भाषण। प्रधानमंत्री ने आज के संबोधन में एक साफ मैसेज दिया कि वैक्सीन के लिए भारत की अप्रोच पूरी तरह साइंटिफिक है, ना किसी को फेवर और ना ही किसी से फियर। इसलिए आज वैक्सीन पर आपके मन में जितने सवाल होंगे उनके सारे जवाब इस रिपोर्ट की मदद से आपको देने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाने वाले पूछते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक साल में क्या किया। मेरी के रूप में लाना, लैब में उसका 7 साल में क्या किया दुनिया के दूसरे देशों, इसके लिए मोदी विरोधियों ने क्या क्या नहीं फैलाया। मोदी को हटाने के लिए हर मोबाइल तक क्या क्या नहीं पहुंचाया। राहत से आफत तक और मोदी हानिकारक तक अनाप शनाप लेकर अखबारों में छपवाया। ट्विटर पर #7yearsindiaintears, #7yearsofmodi में डिजास्टर, #modifailedindia जैसे प्री प्लान ट्वीट्स प्लांट करवाए और बेहतर भविष्य के रास्ते। ये सिलसिला रुका नहीं, वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन तक मोदी की हर नीति पर उनके विरोधी अभी भी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। राहुल तो रोज सुबह अपनी टाइमलाइन पर एक टेक्स्ट चिपकाते हैं, कभी मिसिंग प्राइम मिनिस्टर फैलाते हैं तो कभी प्रधानमंत्री को एरोगेंट बताते हैं। मगर शुक्रवार को मोदी खुलकर बोले। मोदी ने बिना नाम लिए, बिना जिक्र किए अपने सारे विरोधियों को 7 साल का भी हिसाब दिया और 1 साल की बात भी बताई। मोदी ने डिटेल में बताया कि कोरोना आपदा के 1 साल में वो हुआ जो दुनिया में किसी देश ने नहीं किया। कोरोना वैश्विक महामारी पूरी दुनिया के सामने इस सदी की सबसे बड़ी चुनौती बनकर आई है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है, जब जब मानवता पर कोई बड़ा संकट आया है, साइंस ने और बेहतर भविष्य के रास्ते तैयार कर दिए हैं। ये काम पिछले 1.5 सालों में हमारे वैज्ञानिकों ने जिस स्केल और स्पीड पर किया है वो अप्रत्याशित है। मानवता को इतनी बड़ी आपदा से उबारने के लिए 1 साल के भीतर वैक्सीन बनाकर लोगों को दे देने का ये इतना बड़ा काम इतिहास में पहली बार हुआ होगा शायद। मोदी के पॉलिटिकल राइवल्स का पूरा फोकस इस वक्त अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने का है, इसलिए आपदा को अवसर में बदलने के लिए कभी मोदी पर पर्सनल अटैक होता है तो कभी वैक्सीन वाले पॉलिटिकल स्टंट की मदद से मोदी को घेरने की कोशिश होती है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट से क्लियर है। मगर क्या वाकई में ऐसा है? देश में अब तक कुल 22 करोड़ 41 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। 17 करोड़ 85 लाख लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 4 करोड़ 56 लाख लोगों ने वैक्सीन की दूसरी डोज ले ली है। ये सब कुछ इसलिए संभव हुआ क्योंकि बहुत कम समय में देश के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी वैक्सीन बनाई जिसने दुनिया की भी जान बचाई और देश के लोगों को भी बचाया। शुक्रवार को मोदी ने सब कुछ खोलकर बताया, सालों पहले क्या होता था और 1 साल में क्या हुआ, इसका फर्क समझाया। बीती शताब्दी का अनुभव है, जब पहले कोई खोज दुनिया के दूसरे देशों में होती थी तो भारत को उसके लिए
कई कई साल तक इंतजार करना पड़ता था। हमारे वैज्ञानिकों ने एक साल में ही मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाई और देशवासियों के लिए उपलब्ध करवा दी। एक साल में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोविड टेस्टिंग किट्स और अपनी जरूरी उपकरणों से देश को आत्मनिर्भर बना दिया। इतने कम समय में ही हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना से लड़ाई में नई नई प्रभावी दवाएं तलाशी, ऑक्सीजन प्रोडक्शन को स्पीड अप करने के रास्ते खोजे। 28 मई का राहुल का वो बयान याद कीजिए, जब उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के लिए सीधे सीधे प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहरा दिया था। और तो और, वो मोदी के लिए नौटंकी शब्द का प्रयोग करने से भी नहीं चूके थे और देश को ये कहकर भी डराया था कि जैसे सेकेंड वेव में इंडिया नहीं संभला, वैसा ही हाल तीसरे, चौथे और पांचवें वेव में भी होगा। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकेंड वेव है। और मैं देश को अभी बता रहा हूं, अगर वैक्सीनेशन इसी रेट पे चलता गया, मतलब आज के प्लान पे अगर आप चलें, तो मई 24 में हिंदुस्तान की पूरी जनता का वैक्सीनेशन होगा। अगर इस रेट पे वैक्सीनेशन चलता गया तो थर्ड वेव आएगी, फोर्थ वेव आएगी, फिफ्थ वेव आएगी। राहुल ने सेकंड वेव पर पहले भ्रामक पोस्ट फैलाया, फिर कैमरे पर आकर मोदी के नाम पर डराया, मगर फैक्ट्स कभी नहीं बताया। फैक्ट ये है कि भारत में सेकंड वेव का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 1,32,364 केस रिपोर्ट हुए हैं। पिछले 8 दिनों से केस 2 लाख के अंदर हैं। हर रोज 100 डेली केस रिपोर्ट बनाने वाले जिलों की संख्या 538 से घटकर 257 हो गई है। देश में एक्टिव केस लोड की संख्या घटकर 16,35,993 हो गई है। 50 दिनों में ऐसा पहली बार हुआ है। नेशनल रिकवरी रेट 93% का आंकड़ा पार कर गया है। एक नैरेटिव भारत में कोरोना के बढ़ते केसेस और कोरोना से हुई मौतों को लेकर भी बनाया गया। भारत को बदनाम करने के लिए बार बार भ्रम फैलाया गया कि भारत में हुई मौतों के नंबर्स मोदी छिपा रहे हैं। राहुल ने इसका खूब ढिंढोरा पीटा, मगर अब इसका भी सच सुन लीजिए। दुनिया के मुकाबले हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना के केस देखे जाएं, तो भारत के नंबर्स हैं 20,519। इसी पैमाने पर वर्ल्ड एवरेज है 22,181। ब्रिटेन में हर 10 लाख की आबादी पर कोरोना केस के नंबर्स 65,900 के करीब हैं और अमेरिका में 1,02,069 केसेस हैं। इसी तरह 10 लाख की आबादी पर कोरोना से हुई मौतों के मामले में भारत का आंकड़ा 245 है, दुनिया का औसत है 477, ब्राजील में 2100, जबकि इसी पैमाने पर अमेरिका में 1,838 लोगों की मौत हुई। ये सिर्फ कुछ नंबर्स नहीं है, फैक्ट हैं। और दुनिया के मुकाबले ये नंबर्स इसलिए कम हैं क्योंकि मोदी ने पहले दिन से तैयारी कर रखी थी। यही बात मोदी विरोधियों को पच नहीं रही है। मोदी ने इशारों इशारों में देश को ये भी बताया, कोरोना के संकट ने रफ्तार भले ही कुछ धीमी की है, लेकिन आज भी हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, सशक्त भारत। स्पष्ट संकल्पों के साथ, टाइम बाउंड फ्रेमवर्क के साथ, निश्चित दिशा में रोडमैप के साथ आगे बढ़ना हमारे वर्क कल्चर को बदलने के लिए बहुत काम आएगा। मोदी जिस रोड मैप की बात कर रहे हैं, उसके पीछे की हकीकत यही है कि अगर कोरोना को हराना है, अगर इस वायरस को जड़ से खत्म करना है, तो इसे सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिक सोच और साइंस की बदौलत ही हराया जा सकता है। मगर मोदी विरोधियों की टाइमलाइन देखने पर दूर दूर तक साइंस की बातें दिखाई नहीं देती, सिर्फ सियासी जुमले होते हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा हमले वैक्सीन और वैक्सीन की डोज को लेकर ही हो रहे हैं, तो आज जरा इस सियासत की भी पोल खोलते हैं। इसके लिए हमने सिंगल डोज पर डबल अफवाह फैलाने वालों का कंफ्यूजन दूर करने के लिए कुछ नंबर्स निकाले।
भारत में वैक्सीन की पहली डोज 17 करोड़ से ज्यादा लोगों को लग चुकी है, जबकि अमेरिका में पहली डोज लेने वालों की संख्या 16 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। यानी इस मामले में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसी पैमाने पर ब्रिटेन में पहली डोज लेने वालों का नंबर 3,95,00,000 ही है और जर्मनी में सिर्फ 3,80,00,000 है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। मोदी विरोधी इन फिगर्स की बात नहीं करते, वो पॉलिटिकल ब्लेम गेम करते हैं, मगर मोदी को अच्छी तरह से पता है कि इस वायरस को पॉलिटिकल सोच से नहीं हरा सकते। शुक्रवार को मोदी एक कदम आगे निकल गए और ये भी समझाया कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इस बार दुश्मन ऐसा है जो कभी अप कभी डाउन चलता रहता है, इसलिए फ्यूचर प्लान अभी से रेडी रखना होगा। हमारे लक्ष्य भी वर्तमान से 2 कदम आगे ही होने चाहिए। हमें इस दशक की जरूरतों के साथ ही आने वाले दशकों की तैयारी अभी से करनी होगी। आपदाओं के समाधान की दिशा में भी कोरोना जैसी महामारी आज हमारे सामने है, लेकिन ऐसी ही कई चुनौतियां भविष्य के घर में छिपी हो सकती हैं। हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सभी संस्थाओं को भविष्य की इन चुनौतियों के लिए अभी से एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ तैयारी करनी होगी। हमें हर दिशा में लीड लेनी होगी। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारी इंडस्ट्री ने जो भूमिका कोरोना के दौरान निभाई है, हमें इसी सफलता को आगे हर क्षेत्र में दोहराना है। मोदी एक कदम आगे की सोच रहे हैं। मोदी को पता है कि आने वाले खतरे की तैयारी अभी से करनी होगी, युद्ध स्तर पर लगना होगा। तीसरी लहर से पहले वैक्सीन की 1, 2 या 3 नहीं दर्जनों सप्लाई लानी होगी। इसके लिए इंडिया फुल स्केल के साथ अपने स्तर पर लगा हुआ है। दिसंबर 2021 तक वैक्सीन वाली डेडलाइन पूरी करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। शुक्रवार को इसका एक डेमो नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने दिया, वो भी डिटेल में। कल एक हमारी अनाउंसमेंट आपने देखी थी, सुनी थी कि हमने एक हैदराबाद बेस्ड कंपनी को, जिनका की बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है वैक्सीन बनाने का, उन्होंने जो अपना एक इंडिया का वैक्सीन विकसित किया है भारत सरकार के फंडिंग की मदद से, उसको बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने 30 करोड़ डोज को बुक किया है, उनको एडवांस देने का डिसीजन लिया है और वो उस पर्टिकुलर वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और जो कंपनी हमें बताती है उसके हिसाब से उनकी कैपेसिटी पर मंथ जो है 7.5 करोड़ पर मंथ की कैपेसिटी सितंबर ऑनवर्ड्स होगी और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि ये काम वो जल्दी से जल्दी पूरा करें और ये काम टाइम पे हो और वैक्सीन उपलब्ध हो। हमें बहुत पूरी उम्मीद है, उनका फेज 3 का ट्रायल भी अंडरवे है और ये एक हमारी वैक्सीन की उपलब्धता को दृढ़ करेगा ये फैसला और एश्योर भी करता है और ये भी दर्शाता है कि भारत सरकार पूरी तरह से हर तरह से मदद करने के फैसले लेती है, लेती रही है, एंगेज करती रही है और उस दिशा में जो भी करना है वो करा जाएगा। अमेरिका से वैक्सीन वाली हेल्प भी आ रही है। जल्द ही भारत को फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन मिलने वाली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने तो ये तक कह दिया है कि अगर भारत कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाता है तो वो सीमाओं के पार जाकर एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। Well, it is immensely important to us for two reasons. Number one, ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। पहली बात यह है कि अगर भारत वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, जिसके उसके पास क्षमता है, वो दुनिया के सभी देशों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। दूसरी बात यह कि भारत को सेकेंड वेव से काफी नुकसान हुआ है और हर किसी को झटका लगा है, इसीलिए अनाउंसमेंट से पहले भी हमने भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने पर फोकस दिया और हमने इस बात का भी ख्याल रखा है कि हम भारत को अपना पूरा समर्थन दें। As a means to help the country address this.
अभी तक सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स, सारे ऑडियो और वीडियो यही बता रहे हैं कि कोरोना ने जब भी हमला किया दुनिया के मुकाबले भारत ही संभल कर चला। मोदी विरोधी पॉलिटिक्स करते रह गए और मोदी ने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा जताकर क्लियर मैसेज दिया, सियासत में ही दवाई की बात होगी, आज भी होगी और कल भी होगी। आपके इस योगदान से, इस असाधारण प्रतिभा से ही देश इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। आप देश की कई समस्याओं के समाधान के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज देश के लक्ष्य और देशवासियों के सपने 21वीं सदी की नींव पर आधारित हैं और इसलिए CSIR जैसी संस्थाओं के हमारे लक्ष्य भी असाधारण है। देश के सामने अनगिनत संभावनाओं का अंबार पड़ा हुआ है। इन संभावनाओं को सिद्ध करने की जिम्मेदारी आप सबको उठानी है, देश के साथ मिलकर इन सपनों को पूरा करना है। साधारण भाषा में कहें तो इंडिया का फ्यूचर प्लान रेडी है। कोरोना के बाद वाला इंडिया कैसा होगा, कोई दूसरी महामारी आई तो कैसी तैयारी होगी, मोदी ने इसका खाका तैयार कर लिया है। अभी से एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। रही बात मोदी विरोधियों की, तो वो अभी भी कोरोना का सियासी समाधान ही ढूंढ रहे हैं। आसमान से गिरे खजूर में अटके, हम बात कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की। दिल्ली में चार दिन से सुलग रही बगावत की आग अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि उन्हें कोरोना की दूसरी लहर ने लपेट लिया। पंजाब सरकार पर मुफ्त की वैक्सीन प्राइवेट हाथों में बेचने का इल्जाम है। अकाली और बीजेपी तो कैप्टन पर हमलावर थे ही। थोड़ी देर पहले पंजाब के कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने भी चिट्ठी लिखकर कैप्टन की मुसीबत बढ़ा दी। कैप्टन रकाबगंज के वॉर रूम में तो बच गए, लेकिन वैक्सीन के रिएक्शन में फंस गए लगते हैं। शुक्रवार को कांग्रेस का कप्तान से सामना, कप्तान का आलाकमान से सामना। गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के कांग्रेस वॉर रूम में सुबह 10:30 बजे शुरू हुई गहमा गहमी मुसलसल 3 घंटे तक कायम रही। राजा आया, मजमे पर नजर डाली, महफिल लूट कर चलता बना। मैंने सिर्फ इतना कहना आपको कि हमारी इनर पार्टी डिस्कशंस है एंड आई डोंट प्रपोज टू शेयर इट विद यू। नंबर वन जो है ये इसलिए की गई है बिकॉज हमारी 6 महीने के अंदर इलेक्शन आ रही है एंड दिस इज इंट्रोस्पेक्शन जो हम अपनी पार्टी में करते हैं और वो ही किया है हमने। कैप्टन ने मीडिया से सिर्फ इतना कहा कि चुनावों की तैयारी के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। मीटिंग में अंदर क्या डिस्कस हुआ ये जानकारी वो मीडिया से साझा करते भी नहीं। मगर बीते 4 दिन से जो कैप्टन अमरिंदर वर्सेज नवजोत सिद्धू का सियासी गुबार बना हुआ था, वो कैप्टन की गुजरती गाड़ियों के सायरन की आवाज के साथ गुम हो गया। साफ हो गया कि पंजाब में 80 साल के अमरिंदर अभी हैं और आगे भी बने रहेंगे। पार्टी में थोड़ा बहुत असंतोष हो सकता है, मगर वो अमरिंदर के खिलाफ ही है, किसी और के पक्ष में नहीं। कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंदाज को देखकर लग रहा था कि मानो उन्होंने दिल्ली फतह कर ली हो। कैप्टन के खिलाफ बगावत का पर्दा वक्त से पहले ही गिर गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी भी जानती है कि क्राइसिस के समय में कैप्टन के साथ कोई भी रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा। भले ही कैप्टन ने नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर कोई जवाब ना दिया हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी ये बात जरूर समझता है कि पंजाब में बिना कैप्टन के पत्ता भी नहीं हिल सकता। मीटिंग कहें या प्रेजेंटेशन, 3 घंटे की इस कवायद का आउटकम क्या रहा ये जानना दिलचस्प है। आलाकमान और कैप्टन दोनों 3 मसलों पर सहमत नजर आए। पंजाब की प्रदेश कांग्रेस कमेटी में बदलाव होगा। 10 महीने से अध्यक्ष सुनील जाखड़ इस्तीफा देकर बैठे हैं, उनकी जगह नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जाएगा। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत हट सकते हैं,
उनके राज्य में चुनाव है, इसलिए किसी अन्य राज्य के नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी। दलित नेता को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। पंजाब में 32% दलित हैं, जिन पर सब चारा डाल रहे हैं। आम आदमी पार्टी डिप्टी सीएम दलित बनाने का वादा कर चुकी है। बीजेपी तो सीधे दलित सीएम बनाने का दावा कर रही है। दबाव काफी है, इसलिए कैप्टन किसी दलित को डिप्टी सीएम बना सकते हैं, मगर कैप्टन एक से ज्यादा डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं। ग्रंथ साहब की बेअदबी केस में तेजी आएगी। मामला अदालत में है, इसलिए सरकार के हाथ बंधे हैं। 2017 में कांग्रेस का वादा था दोषियों पर कार्रवाई होगी। सवाल सिख सेंटिमेंट का है, इसलिए पार्टी चुनाव से पहले एक्शन में दिखना चाहती है। इस मामले में लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों तरह की मोर्चाबंदी होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कमेटी 8 जून के बाद अपनी रिपोर्ट हाईकमान के आगे टेबल करेगी। फिलहाल रिपोर्ट में पंजाब के विधायकों और सीएम कैप्टन अमरिंदर दोनों से मिला इनपुट शामिल कर लिया गया है। तो जो भी बातें हमें 2-3 दिन में मिली थी, वो हमने विस्तार से उनसे बात की, तो उन्होंने उसकी अपनी सफाई दे दी, अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया। जो मुख्यमंत्री हैं, वो ये तमाम इश्यूज को कैसे एड्रेस करेंगे, आज उन्होंने कमेटी को बताया क्या? उन्होंने बताया, बहुत सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन करी है, जो हम अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाकर भेजेंगे। तो कब तक आप सर रिपोर्ट फाइल कर देंगे? आज या कल में हो जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू क्योंकि काफी मुखर रहे, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर भी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की उन्होंने क्रिटिसिज्म किया कि तमाम कैंपेनिंग के दौरान जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए थे वो वायदे पूरे नहीं किए गए। आपको नहीं लगता कि ये इनडिसिप्लिन था, और क्या इसको भी एड्रेस करेगी कमेटी? अब कई बार आदमी इमोशनल तौर पर होकर कुछ चीज़ों को कह देता है। अब जो बात उन्होंने कही वो भी है रिपोर्ट में, जो उसका जवाब है वो भी है रिपोर्ट में। मतलब कोई क्राइसिस, कोई नेतृत्व परिवर्तन जैसी कोई रिकमेंडेशन इस कमेटी की रिपोर्ट में? कोई क्राइसिस नहीं है, इतना मैं कह सकता हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो जेपी अग्रवाल साहब साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई क्राइसिस नहीं है कांग्रेस पार्टी में। चुनाव से पहले ये सारा विवाद नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी से शुरू हुआ था। सिद्धू शुरू से खुद को कैप्टन के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहे थे। कैप्टन ने सिद्धू को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, तब से वो असंतुष्ट है। उन्हीं के समर्थकों से राहुल गांधी की बातचीत के बाद फीडबैक के लिए दिल्ली में ये कवायद शुरू हुई। मगर पार्टी आलाकमान को भी एहसास है कि इससे पार्टी को परसेप्शन लॉस हुआ। चूंकि सिद्धू के पीछे गांधी परिवार ही माना जाता है, इसलिए परिवार की ओर से कैप्टन के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश लगातार हो रही है। 4 दिन के मैराथन मंथन के बाद कांग्रेस को पता चल गया है पंजाब में कैप्टन के कद का दूसरा नेता नहीं, कैप्टन का करिश्मा ही चुनाव जिताएगा, अंत में 80 साल का अनुभव ही काम आएगा। बहरहाल कांग्रेस ने भले ही दिल्ली में अपनी क्राइसिस कुछ वक्त के लिए सुलझा ली हो, मगर पंजाब में उसकी क्राइसिस खराब कोविड मैनेजमेंट के चलते बढ़ने वाली है। सरकारी और मुफ्त की वैक्सीन प्राइवेट कंपनियों को बेचने का फैसला सरकार पर भारी पड़ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस के कोरोना कांड की एक पूरी चार्जशीट तैयार की है, इस 10-पॉइंट चार्जशीट पर एक नजर डालिए। अंतर कलह से जूझती कांग्रेस सरकार कोरोना मैनेजमेंट में नाकाम है। पंजाब में कोरोना मृत्युदर नेशनल एवरेज से दूनी 2.55% है। कोरोना मृत्यु दर में पंजाब के 12 जिले देश के टॉप 20 में हैं। कोवैक्सीन की 80,000 वायल प्राइवेट कंपनियों को बेची गई। जनता फ्री मिलने वाली वैक्सीन महंगी कीमत पर खरीद रही है। कोरोना संकट में सीएम दिल्ली में सियासी मसला सुलझा रहे हैं। सीएम कोविड मैनेजमेंट की बजाय बागियों को पार्टी में ला रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर में किसान आंदोलन नहीं रोका गया। सरकार काम करने की बजाय केंद्र पर झूठे आरोप लगा रही है। पीएम केयर से भेजे वेंटिलेटर का इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि पंजाब में बीजेपी का स्टेज बड़ा नहीं है, मगर पार्टी पूरी तरह आक्रामक रहना चाहती है। प्राइवेट कंपनियों को वैक्सीन बेचे जाने को उसने बड़ा मुद्दा बना लिया है। मैं समझता हूं कि सबसे इस समय जो महत्वपूर्ण चीज है, उनको जांच करनी चाहिए कि ये ऑर्डर इन द फर्स्ट इंस्टेंस पास कैसे हुआ। ये कैसे हो सकता है कि एक स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से एक वैक्सीन जिसके बारे कांग्रेस पार्टी इतना हल्ला मचाते आई है, वो उन्होंने 400 रुपए की लेके
उदाहरण के तौर, और 1000 रुपए की उसको किसी प्राइवेट हॉस्पिटल को बेच दी। पहले तो सवाल ये उठता है, ये कैसे कैसे हो सकता है? ये क्या इलेक्टेड स्टेट गवर्नमेंट एक इंटरमीडियरी की तौर में कमर्शियल प्रॉफिटियरिंग कर रही है? वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह अब सफाई देते घूम रहे हैं। उनके मुताबिक ये मामूली सी गलती है, आगे से नहीं होगी। आपको लगता है कि फैसला ठीक नहीं था और अब यूटर्न लेना पड़ रहा है सरकार? नहीं, बात ऐसी है कि जो कई फैसले ऐसे हो जाते हैं, लेकिन उसको सरकार ने इमीडिएटली अपने जो गलती उसको सुधारा है। बेकायदा हमने उसको वापस लेकर हमारे सीएसओ ने बोला कि ये हमने पब्लिक के हित में की बात कर दी और जो हमारा लोगों के साथ प्रॉब्लम है उसको पूरा कर। मगर ये राज्य सरकार का मिसमैनेजमेंट नहीं, संवेदनहीन और मुनाफाखोर रवैया कहा जाएगा। जब लोगों की जान के लाले पड़े हो, सरकार ऐसा कर भी कैसे सकती है? आज से ठीक 32 साल पहले चीन ने तियानमेन चौक पर अपने हजारों नागरिकों पर टैंक चढ़ा दिए थे और आज चीन कोरोना से हुई लाखों मौतों का जिम्मेदार है। कोरोना वायरस वुहान लैब से ही निकला है, ये खुलासा अमेरिका के टॉप सीक्रेट ईमेल से हुआ और अब शी जिनपिंग को दुनिया भर से माफी मांगनी पड़ सकती है। वुहान के बारे में धमाकेदार बात पता चली है। एक एक ईमेल की हेडलाइन से न्यू वर्ल्ड लाइन बनी है। डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री तक हो गई है। कोरोना वायरस लैब से बना या चमगादड़ से इंसानों में फैला, इसका हवा हवाई नहीं बल्कि लिखित सबूत मिल गया है। ऐसे एक दो नहीं बल्कि 3000 पेज के ईमेल रिकॉर्ड हैं। ये ईमेल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के स्वास्थ्य सलाहकार एंथनी फाउची के हैं। इन ईमेल में चीन और फाउची के बीच कोरोना महामारी को लेकर बातचीत हो रही है, जिसमें कोरोना संक्रमण को लेकर कई बड़े खुलासे किए गए हैं। इन ईमेल के लीक होने से चीन टेंशन में क्यों है? वुहान लैब के खिलाफ क्या क्या सबूत मिले? क्या अब अमेरिका चीन पर एक्शन लेगा? चीन ने अमेरिका को नई धमकी क्या दी है? चीन, कोरोना और वुहान लैब पर एक एक करके खुलासा होगा, लेकिन इन ईमेल के लीक होते ही अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एकदम अटैकिंग पोजीशन में आ गए हैं, क्योंकि ट्रंप का दावा है कि उन्होंने जो कुछ चीन के बारे में कहा था, जो वुहान लैब के बारे में बताया था, उसी पर बाइडन सरकार भी मुहर लगा रही है। अब हर कोई, यहां तक कि दुश्मन भी यह कहना शुरू कर चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का चाइना वायरस के वुहान के लैब से आने की बात सही थी। डॉक्टर फाउची और चीन के बीच ईमेल इसका सबूत है, जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के पहले ऐसे लीडर थे जो कोरोना वायरस को बार बार चाइनीज वायरस कहते थे। उन्होंने सीधे तौर पर कोरोना महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया था, जिसकी वजह से चीन भी बैकफुट पर था। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कोरोना से हुई 37 लाख मौतों के लिए चीन पर जुर्माना लगना चाहिए। ट्रंप का मानना है कि चीन को अमेरिका और दुनिया को $10 लाख करोड़ का हर्जाना देना चाहिए। चीन को लगा था डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद का चुनाव हार गए हैं, अब मामला शांत हो जाएगा, बाइडन आएंगे और चीन को क्लीन चिट दे देंगे। लेकिन चीन भूल गया कि अमेरिका में देश हित हमेशा से राजनीति से ऊपर रहती है। बाइडन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद से कोरोना की जांच के आदेश दे दिए थे। उनके पास जांच की फाइल भी आ गई है, लेकिन जांच में यह साफ साफ नहीं बताया गया कोरोना लैब से निकला या जानवर से। इसलिए बाइडन ने फाइनल रिपोर्ट सौंपने के लिए 90 दिन की डेथ लाइन दी है। अब समझिए डॉक्टर फाउची के ईमेल में ऐसा क्या है जिसने एक बार फिर से अमेरिका और चीन को आमने सामने खड़ा कर दिया। खुलासा नंबर एक, इन ईमेल से डॉक्टर फाउची ने माना है कि कोरोना वुहान लैब से लीक हो सकता है। खुलासा नंबर दो, वुहान लैब पर अमेरिकी एजेंसी को पहले दिन से शक था। वुहान वायरोलॉजी लैब के 3 रिसर्चर कोरोना महामारी से पहले बीमार पड़े थे, तीनों में कोरोना के लक्षण देखने को मिले थे। डॉक्टर फाउची ने 2020 में चीन से वुहान लैब के तीनों वैज्ञानिकों की मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन चीन ने लैब में काम करने वाले किसी भी शख्स की मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी। खुलासा नंबर तीन, चीन ने शुरुआत में वुहान लैब का सच छिपाने की भरपूर कोशिश की और वेट मार्केट से कोरोना फैलने की थ्योरी बताई। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों को भी यही लगने लगा था कोरोना संक्रमण चीन की साजिश नहीं है, लेकिन अब
ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों का भी मानना है कि कोरोना चीन की वुहान की लैब से लीक हो सकता है। जैसे जैसे वुहान लैब पर खुलासे हो रहे हैं, वैसे वैसे चीन की घबराहट बढ़ने लगी है। जिस तरह से अमेरिका कोरोना का राजनीतिकरण कर रहा है, उसका चीन विरोध करता है। बिना किसी सबूत के कैसे लोग वुहान लैब लीक थ्योरी को साझा कर रहे हैं? सीधे शब्दों में कहा जाए तो अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और कोरोना से हुई अपनी नाकामी को छिपाने के लिए चीन पर आरोप लगा रहा है। चीन बार बार कहता है वुहान लैब और कोरोना संक्रमण का कोई लेना देना नहीं है, जबकि अब यह साबित हो चुका है कि वुहान के इस वायरोलॉजी लैब में काम करने वाले रिसर्चर को कोरोना आउटब्रेक से एक महीना पहले ही कोरोना हो गया था। लेकिन जब यही सवाल एक साल पहले चीन से पूछा गया था तो वुहान वायरोलॉजी लैब की हेड शी झेंगली ने क्या जवाब दिया था, वो सुनिए, क्योंकि सच और झूठ यहीं से पकड़ा जाएगा। हमको पिछले साल 30 दिसंबर को कोरोना वायरस से जुड़े सैंपल मिले थे। हमको पहले लगा कि ये निमोनिया होगा। जैसे कि हमारी लैब में कोरोना वायरस को लेकर रिसर्च पहले से चल रही थी, तो हमने सैंपल पर रिसर्च शुरू कर दी। जल्द ही मालूम पड़ गया था कि ये एकदम नए किस्म का वायरस है। जितने वायरस के बारे में हम जानते थे उनसे एकदम अलग है, इसलिए हमने इसको नोवल वायरस कहा। इसके बाद हमने और हमारे दो मेडिकल इंस्टीट्यूट ने पूरी डिटेल रिपोर्ट WHO को 12 जनवरी को सौंप दी। इसके बाद हमने इस वायरस से जुड़ी हर जानकारी G-SED में अपलोड कर दी, ताकि दुनिया भर के डॉक्टर वैज्ञानिक इसके बारे में जान सकें और वैक्सीन तैयार कर सकें। वाह, किस कदर किस सफाई से सच पर पर्दा डाला गया है। वुहान लैब की सच्चाई जाननी है तो इस लैब के अंदर जाना होगा, हर एक एंगल से देखना होगा लैब के किस हॉल में, किस कमरे में रिसर्च के नाम पर क्या क्या चलता है। वुहान वायरोलॉजी लैब दुनिया की सबसे एडवांस लैब में से एक है। वुहान लैब में 37 वैज्ञानिक ग्रुप अलग अलग रिसर्च करते हैं। 5 बड़े रिसर्च सेंटर हैं, जिसमें एनालिसिस टेस्टिंग सेंटर, जानवरों पर एक्सपेरिमेंटल सेंटर, आइसोटोप रूम, इंसानी बीमारियों के लिए स्पेशल BSL-2 लैब। वुहान लैब में सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट चमगादड़ पर किया जाता है। चाइनीज मिलिट्री के टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट भी इसी लैब में चलते हैं। लेकिन जैसे ही वुहान में कोरोना आउटब्रेक हुआ, इस लैब को सबसे पहले बंद किया गया। सारे सबूत मिटाए गए, मगर गुनाह हमेशा अपने निशान छोड़ जाते हैं। इस न्यूज आर्टिकल में वुहान लैब में कब कब क्या हुआ, कोरोना पर किस लेवल पर रिसर्च की जा रही थी और कोरोना फैलने के बाद चीन ने कैसे अपने दाग धोने की कोशिश की, एक एक डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट समझाई गई है। सबसे पहले देखिए चीन में कितने अनप्रोफेशनल तरीके से काम किया जाता था। वुहान लैब में रिसर्च करने के लिए चीन के अलग अलग कोने से चमगादड़ पकड़कर लाए जाते हैं। कई बार एक्सपेरिमेंट के दौरान वैज्ञानिकों को चमगादड़ ने काटा तक है। यह फोटो लैब के अंदर की है। इसमें एक रिसर्चर फ्रीजर से वायरस बॉक्स निकाल रहा है जो खुला हुआ है, और इसने चेहरे को ओपन कर रखा है। वुहान बैट लैब में जो कुछ होता है वो चीन की बैट वुमन यानी डॉक्टर शी झेंगली के लीडरशिप में होता है, बताया जाता है। झेंगली का कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट जिनपिंग के ऑफिस तक है। जब इनसे पूछा गया कि चमगादड़ में किस तरह की रिसर्च होती है, तो जरा इनका जवाब भी सुनिए। हम 2004 से चमगादड़ में पाए जाने वाले कोरोना वायरस पर स्टडी कर रहे हैं। 15 साल के दौरान हमने काफी कुछ चीजें इकट्ठा की, नई टेक्नोलॉजी पर काम किया, ताकि महामारी के वक्त हम कम से कम वक्त पर उससे बचने का तरीका निकाल सकें। 15 साल की रिसर्च के दौरान हमने SARS जैसे वायरस को ट्रेस करने का तरीका पता लगाया, कई तरह से वायरस के बारे में मालूम पड़ा। SARS जैसे वायरस इंसानों के लिए बेहद खतरनाक है। खुलासा नंबर 8, चाइना ने पहले दुनिया को कोरोना वायरस दिया, फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोरोना वैक्सीन निकाली, जो कोरोना से कम खतरनाक नहीं है, जिसका सच बताने वाले को चीन में गिरफ्तार कर लिया जाता है।
चाइनीज वैक्सीन लगाने से लोगों की मौत हो रही है। चाइनीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट बताने पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक डॉक्टर को गायब कर दिया। इसके अलावा जिस जिस देश में चाइनीज वैक्सीन बेची गई वहां पर भी चाइनीज वैक्सीन बेअसर साबित हुई। यूएई, बहरीन, सेशल्स अब चाइनीज वैक्सीन के बाद फाइजर वैक्सीन अपनी जनता को लगा रहे हैं। ऐसा ही हाल चीन के अंदर भी चल रहा है। चाइनीज सरकार ने सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू करने का दावा किया था, लेकिन चीन में जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो भी कोरोना का शिकार होने लगे हैं, क्योंकि चाइनीज वैक्सीन कोरोना पर 50% कारगर है। ये बात खुद चाइनीज वैज्ञानिक अब समझ रहे हैं। New variant strains of coronavirus का नया स्ट्रेन एंटीबॉडीज को 10-20% तक गिरा सकता है, लेकिन हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट पर 50% काम करती है। इस वक्त वैक्सीनेशन को और तेजी से बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस म्यूटेट होता रहेगा। वायरस के नए नए वेरिएंट को रोकना होगा। Continue to mutate. We must cut off all chances of transmission to prevent the virus from further mutation. चीन का दावा है कि 60 करोड़ वैक्सीन डोज लगा चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और 80% आबादी को इस साल के अंत तक वैक्सीनेट कर देगा। लेकिन चीन के इस दावे के पीछे बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि चीन में टीकाकरण तो किया जा रहा है, लेकिन 60 साल से ऊपर की आबादी को चीन ने मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर कोई व्यक्ति 59 साल का है और कुछ दिनों के बाद 60 का होने वाला है, उसको भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। खुलासा नंबर 8, चाइना ने पहले दुनिया को कोरोना वायरस दिया, फिर डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोरोना वैक्सीन निकाली, जो कोरोना से कम खतरनाक नहीं है, जिसका सच बताने वाले को चीन में गिरफ्तार कर लिया जाता है। चाइनीज वैक्सीन लगाने से लोगों की मौत हो रही है। चाइनीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट बताने पर चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक डॉक्टर को गायब कर दिया। इसके अलावा जिस जिस देश में चाइनीज वैक्सीन बेची गई वहां पर भी चाइनीज वैक्सीन बेअसर साबित हुई। यूएई, बहरीन, सेशल्स अब चाइनीज वैक्सीन के बाद फाइजर वैक्सीन अपनी जनता को लगा रहे हैं। ऐसा ही हाल चीन के अंदर भी चल रहा है। चाइनीज सरकार ने सबसे पहले वैक्सीनेशन शुरू करने का दावा किया था, लेकिन चीन में जिन लोगों को वैक्सीन लगी है वो भी कोरोना का शिकार होने लगे हैं, क्योंकि चाइनीज वैक्सीन कोरोना पर 50% कारगर है। ये बात खुद चाइनीज वैज्ञानिक अब समझ रहे हैं। New variant strains of coronavirus. Coronavirus का नया स्ट्रेन एंटीबॉडीज को 10-20% तक गिरा सकता है, लेकिन हमारी वैक्सीन नए वेरिएंट पर 50% काम करती है। इस वक्त वैक्सीनेशन को और तेजी से बढ़ाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वायरस म्यूटेट होता रहेगा। वायरस के नए नए वेरिएंट को रोकना होगा। Continue to mutate. We must cut off all chances of transmission to prevent the virus from further mutation. चीन का दावा है कि 60 करोड़ वैक्सीन डोज लगा चुका है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है, और 80% आबादी को इस साल के अंत तक वैक्सीनेट कर देगा। लेकिन चीन के इस दावे के पीछे बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि चीन में टीकाकरण तो किया जा रहा है, लेकिन 60 साल से ऊपर की आबादी को चीन ने मरने के लिए छोड़ दिया है। अगर कोई व्यक्ति 59 साल का है और कुछ दिनों के बाद 60 का होने वाला है, उसको भी वैक्सीन नहीं लगाई जा रही है। वैक्सीन लगवाने वाले व्यक्ति को 18 से 59 साल उम्र का आईडी कार्ड दिखाना जरूरी है, क्योंकि वैक्सीन लगवाने की उम्र 59 साल तक ही है। अगर कोई शख्स पहली डोज लेने के 14 दिन बाद 60 का होने वाला है तो उसको वैक्सीन नहीं दी जाएगी। दोनों डोज के लिए उसको 59 साल का होना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि 60 साल से ऊपर उम्र वाले वर्ग पर वैक्सीन का खतरा हो सकता है। दुनिया के हर देश ने पहले अपने वरिष्ठ नागरिकों को चुना, लेकिन चीन ने ठीक इसका उल्टा किया। चीन में 0 से 15 साल की 17.95% आबादी है, 16 से 59 साल की आबादी 63.35% है, और 60 साल से ऊपर 18.75% जनसंख्या है। चीन में प्रेस को आजादी नहीं है, सोशल मीडिया पर भी पाबंदियां हैं। ऐसे में वहां का सच जल्दी सामने नहीं आ पाता है, लेकिन खबरों के मुताबिक बुजुर्गों को नजरअंदाज करने पर जिनपिंग का जमकर विरोध हुआ, जिसके बाद अब 60 साल से ज्यादा उम्र वालों को सिंगल डोज देने का ऐलान हुआ है। एक तरफ चीन दावा कर रहा है कि उनके यहाँ टीकाकरण शहर से गांव तक जबरदस्त हिट है, जबकि चाइनीज वैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण उनके लोग वैक्सीन से भाग रहे हैं। तभी जगह जगह वैक्सीन लगाने पर गिफ्ट देने की योजना बनाई गई है, ताकि लोग वैक्सीन लेने के लिए आगे बढ़े। इसके अलावा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए पॉप म्यूजिक का भी सहारा लिया जा रहा है। कंजिंदा, 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 कंजिंदा,
चीन का 60 करोड़ टीकाकरण का दावा कितना सही है, इसको आंकड़ों के जरिए भी समझते हैं। दुनिया भर में वैक्सीन की डोज लेने के बाद कोरोना केस कम हुए हैं, लेकिन इसके उल्टा चीन में वैक्सीनेशन के बाद केसेस बढ़ रहे हैं। चाइनीज सरकार के मुताबिक 28 मई को सिर्फ 7 कोरोना केस रिकॉर्ड हुए थे और अगले 7 दिन में 149 केस आए, जबकि इस वक्त चीन के सबसे बड़े प्रांत जियांगसू में कोरोना आउटब्रेक की वजह से लॉकडाउन लगाया गया है। चीन जैसे आंकड़ा छिपाता है, ठीक वैसे ही उसने कोरोना का सच छिपाया है। लेकिन इस वक्त दुनिया की अलग अलग एजेंसी, वैज्ञानिक ग्रुप वुहान लैब का सच पता लगा रहे हैं, कई अहम सबूत हाथ लगे हैं और चीन को उनका जवाब देना ही होगा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।